मुझे पिंका कहकर बुलाते हैं यहाँ पे। मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ। मनजोत सिंह कोहली मेरी बेटी है। ये कोई 8-9 महीना पहले मेरे घर से गई थी और इसने जम्मू में इंस्टीट्यूट खोला है और वो बोलती है कि भाई मुझे श्रीनगर में 3 महीने का कोई कोर्स करना है। मैं 3 महीने के लिए श्रीनगर जा रही हूँ। 8-9 महीने से जो मुझे मिली नहीं है, आज 8-9 महीने के बाद ये 10 नवंबर को मेरे पास आ रही है और उस लड़की को साथ लेकर आ रही है, तो मुझे कहती है कि पापा मैं इस लड़की को किडनी डोनेट कर रही हूँ। अब एक बीमार बच्चा है, उसके सामने मुझे बोल रही है। उसके सामने मैंने क्या बोलना था? मैंने कहा बेटा आप जाओ, हम सलाह कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या कर रहा है। वो गई तो मैंने इनको बोला भाई हम कैसे किडनी दे सकते हैं, तो मेरी कंडीशन देखो। मैंने तुझे शिमला में एक उस स्कूल में पढ़ाया जहाँ पर जो जितने भी फिल्मी एक्टर्स हैं, प्रीटी जिंटा है, जूही चावला है, अमिता सिंह है, उसी कॉलेज में पढ़े हैं, सेंट बीट्स में। उस कॉलेज में मैंने तुझे पढ़ाया है और ये सोच के कि चलो ये बच्चे हैं कि मेरा फ्यूचर बनेंगे। आज 22 साल की तू टोटल है और 22 साल की तू किडनी दे रही है। पापा की कंडीशन ये है कि ना तो मैं चल सकता हूँ, ना मैं बैठ सकता हूँ, 75% मुझे डिसेबिलिटी है, शरीर मेरा सारा टूटा हुआ है। सबको जब मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने अर्ली कश्मीर में अखबार में निकाला है और उसकी कटिंग जो है वो मैंने सोरा इंस्टीट्यूट में भेजी है, उनको मैंने नोटिस दिया हुआ है। यहाँ के तहसीलदार साहब जो हैं उनसे मैंने एफिडेविट लिखवा कर भेजा हुआ है कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, ये बच्ची की किडनियाँ आप नहीं ले सकते। ये रिलेशन में दे सकती है, रिलेशन के बाहर ये किडनी नहीं दे सकती है। लेकिन ये जो लोग हैं जो कि इसकी किडनी ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि क्या इनके पास कोई आदमी नहीं है इनके पास किडनी देने के लिए? एक बीमार बाप है जिसको इन बच्चों की जरूरत है, उससे किडनी ले रहे हैं। कल को मेरा कौन सोचेगा? मैं कल को इसके बारे में क्या हो जाएगा? एक किडनी का आदमी है, वो तो धुआं, मुझे सब मालूम है, मैंने इसका कंफर्म किया है, ये धुआं तक नहीं ले सकती है, इसको खाने पीने का पूरा परहेज करना है। आज तो इसका इलाज कर देंगे वो, लेकिन बाद में इसको इलाज कौन करेगा? मैं खुद बीमार हूं, मुझे इनकी जरूरत है, मैं इनको इलाज करवाऊंगा इनका। तो इन लोगों ने मेरे को इतना परेशान किया हुआ है। श्रीनगर से फोन आ रहा है कोई 10,000 बंदों का कि भाई क्या आप 10,000 मामटन है, क्या आप लोगों में कोई ऐसी बंदा नहीं है 10,000 में जो इसको किडनी दे दे? ये सिख और मुसलमान का ये क्या इशू है? मैं कब कहता हूं कि मैंने बच्चों को शिक्षा ऐसी दी हुई है कि आप कुर्बानी करो, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी की हुई है। लेकिन ये तो देखो कि पहले अपना घर देखो, अपना मोहल्ला देखो, अपना शहर देखो, उसके बाद आप बाहर जाकर करो। आप ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट बन गई हो, लेकिन आपको इतने समझ नहीं आती है कि अपने बाप की घर की कंडीशन क्या है? मेरे को अकेला आज मैं घर में बैठा हुआ हूँ, दो तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी बन के तूने मेरा जो साथ करना था, आज ये 12 साल से तुम्हारी मम्मा ये बेटी में एक छोड़ के गई है तेरी जैसी, ये तेरे से भी अच्छी बच्ची है, वो मेरी तेरे से ज्यादा अच्छी बच्ची है, जो काम तूने करना था वो ये कर रही है। इसका नाम बबली है, इसके 2 बच्चे हैं और ये मेरे को छोड़ती नहीं है, मेरी बेटी से भी बढ़कर है। बेटी तो छोड़ो, फर्ज तो इसका बनता था, मगर वो फर्ज ये पूरा कर रही है तो मैं जिंदा हूं। अगर ये ना हो तो मेरा कोर करने वाला था, बताओ, जो मैं उठ के चल नहीं सकता हूँ। 2 दफा तो मैं यहाँ पर गिर गया और मुझे पता ही नहीं है, ये बेचारी इसको मैं अपने कमरे में रहती है, जो किराए पे रहती है, तो ये सुबह आकर इसने मुझे उठाया यहाँ पर। तो मेरी अपनी बुरी हालत है और मेरा बेटा आज 12,000 रुपये की नौकरी कर रहा है दिल्ली में। घर में मैं कमाई नहीं कर सकता, 2-4 घंटे के लिए दुकान पर जाता हूँ तो मैं कमाई कर नहीं सकता। अब इसकी मुझे जरूरत है तो ये पता नहीं क्या है कि दुनिया समझाने वाली इसको बैठी हुई है। मीडिया तक ने इसको समझाया है कि भाई तू गलत कर रही है, पहले अपना घर देख। ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अपना, अभी मैं देख रहा हूं ये एबीपी न्यूज में आ रही है, नेशनल चैनल में आ रही है, वो नेशनल चैनल इसको उठा रहे हैं, जागरण वाला फेक न्यूज दे रहा है कि भाई
ये लड़की के फादर साहब मान चुके हैं जबकि मुझे मालूम नहीं है। मैं अपने परेशानी में बैठा हुआ, उसको हाथ जोड़ता हूँ कि तू भाई अपने घर आ जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तो घर आ जा, हमें भाई इधर आकर जो सेवा करनी है तो दुनिया की सेवा कर, लेकिन घर आकर कर ले। किडनी लेनी है तो मेरे जैसे की ले लो जिसने सब कुछ देखा है दुनिया में। तूने दुनिया में क्या देखा है? और ये जो अब लोग जो मुबारकें दे रहे हैं मुझे कश्मीर से आ रही हैं, जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपरों में जो लोग दे रहे हैं मुबारकें दे रहे हैं, मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप मुबारक छोड़िए, आप कोई किडनी का अरेंजमेंट कीजिए और मेरी तरफ देखिए कि एक गरीब बाप लाचार बाप परेशान है और आप मुबारकें दे रही हैं कि ये लड़की बड़ा काम कर रही है, उसको हाईलाइट कर रहे हो। वो लड़की क्या चीफ मिनिस्टर बन जाएगी? वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी? वो कौन सा वो ऐसा काम कर रही है बताइए जो बाप बाप को परेशान करके वो कौन सा ऐसा काम कर रही है, मुझे ये बताइए। कि जो जो किडनी लेने वाले हैं इनको शर्म नहीं आती है? उनको नहीं पता चलता है कि तुम्हारी बच्ची बीमार है तो उसका बाप भी बीमार है? अब ये मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये जो हमारी मीडिया है उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते चैनल के माध्यम? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई बेटियाँ हो तो ऐसी हो जो कम से कम माँ बाप का ख्याल रखें। उन बेटियों का क्या कर रहे हैं जो माँ बाप को बीच में छोड़ देते हो चली जाए? आज मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने मोदी साहब की बात तो आज कर रहे हैं, मैंने ये बात आज से 10 साल पहले की हुई है। मैं बच्चों को कौन सी शिक्षा दी है, कहाँ दी है? यही शिक्षा दी है, यही पढ़ाया मैंने बच्चों को कि माँ बाप को इस कंडीशन में छोड़ के तो आप ये काम करो। आप मुझे बताओ कि मैं इसका इलाज करूंगा इसके बाद जब इसको कोई प्रॉब्लम बनेगी तो कौन इसकी करेगा? कौन करता है आजकल? किडनी ले लेंगे उस वक्त इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, बाद में जब इसको कोई किस किस्म की प्रॉब्लम बनी तो कौन रजौरी से उठकर आएगा? कौन बोलेगा कश्मीर में आकर कि हमने जिन्होंने बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत नेक काम कर रही है, क्या उसका खर्चा कौन उठाएगा उस वक्त? कौन इसके साथ शादी करेगा एक किडनी वाली के साथ, मुझे ये बताइए। जिस किसी को ये पता चलेगा कि इसकी एक किडनी है वो छोटी बच्ची है मैंने उसकी शादी करनी है तो कौन करेगा? कोई दिल वाला है आज? कोई दिल वाला है कोई जो बोलता है कि मैं किडनी देता हूँ? कोई नहीं देने वाला है। इसकी मदर की किडनी मिलती है तो बोलते हैं जी नहीं जी वो बीमार है उसको डॉक्टर नहीं मार रहे हैं। इसकी मदर की किडनी मिल रही है, लड़की की जो मदर की किडनी है वो मिलती है इसके साथ, उसका ब्लड ग्रुप मैच है। लेकिन इसे मेरे को गरीब आदमी को परेशान किया हुआ है, इन्होंने पूरे खानदान को परेशान करके रखा हुआ है। जो से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मेरे पर रहम कर, मेरी कंडीशन छुपी नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम है, तू चुप करके घर आ जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ और अपना इधर आकर तू जो भी काम करना चाहती है कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा इसको समझाइए, पूरा मीडिया समझा रहा है इसको, थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से समझाइए कि जाओ अपने पापा का करो कुछ, पहले अपना घर संभालो और उसके बाद जाकर लोगों को संभालो। किडनियां अगर आपने देनी है तो यहाँ पर लाखों लोग किडनियों के लिए परेशान है, एक को दे दोगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? पहले अपना घर देखो।